दोस्तों, फूड विथ लाइफ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, फूड विथ लाइफ में हम रॉ फूड वेराइटीज़ प्रस्तुत करते हैं। साथी जिन्हें मॉडरेट डिसऑर्डर है या इंडियस योग आहार से इंस्पायर्ड होकर रॉ फूड खाते हैं, उनके लिए शाम के भोजन के लिए लो कैलरी सेमी कुक्ड स्टीम कुक डाइट वेराइटीज़ की रेसिपीज़ प्रस्तुत करते हैं। तो लो कैल डाइट श्रेणी में आज हम बनाएंगे एक ट्रेडिशनल फिर भी काफ़ी नॉवेल वेराइटी, यानी ग्रीन खिचड़ी। जैसे कि आप जानते हैं, बिना खिचड़ी के गुजराती डिनर अधूरा है, क्योंकि खिचड़ी डेली डाइट का पार्ट है, उसमें विविधता होनी ज़रूरी है। जैसे कि प्लेन खिचड़ी, मसाला खिचड़ी, फ्राइड वेज खिचड़ी। तो इसी तरह आज हम बनाएंगे काफ़ी सारे ग्रीन वेजिटेबल्स डाली हुई बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और लो कैल डाइट ग्रीन खिचड़ी। खिचड़ी के मेन इंग्रेडिएंट्स हैं राइस और दाल, चाहे तूर की या मूंग की दाल। हमने लिया है राइस और छिलके वाली मूंग दाल। आपको ध्यान यह रखना है कि हमें दोनों को पकाने से पहले भिगो के रखना है, क्योंकि हम उसे प्रेशर कुकर में नहीं परंतु मिट्टी की हांडी में उबाल के पकाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सोक्ड किए राइस और छिलके वाली मूंग दाल को हांडी बर्तन में डाल दिया है। अब उसमें हम करीब 3 ग्लास पानी डालेंगे और स्वाद अनुसार सेंधा नमक ऐड करेंगे और उसे 12 से 15 मिनट तक उबाल के पकाएंगे। शुरू में हमें गैस की आंच फुल रखना है। जैसे ही एक उबाल आ जाए, उसके बाद मीडियम धीमी आंच पर पकाना है। दूसरी ओर जब तक खिचड़ी पक जाए, हमें वेजिटेबल्स को फ्राई कर लेना है। दोस्तों, हमने लिया है करीब 100 ग्राम फ्रेश कटे पालक पत्ते, साथ में लिया है ग्रीन मेथी लीव्स, कटे हुए स्प्रिंग अनियन, तूर दाने, मटर, कटे हुए धनिया पत्ते और कैप्सिकम, साथ में लिया है ग्राउंडनट ऑयल, हरे मसालों में लिया है हरी मिर्च लहसुन अदरक का पेस्ट, बारीक कटा हरा लहसुन और बारीक कटे अनियन, ड्राई मसालों में लिया है 1 तेज़पत्ता, 2 रेड चिल्ली, 3 से 4 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च, हींग, मस्टर्ड सीड्स, साबुत जीरा, लाल मिर्च, सेंधा नमक और हल्दी पाउडर। सबसे पहले हम पालक की प्योरे बनाएंगे। उसके लिए पालक पत्ते मिक्सी में डालेंगे और हल्का सा पानी ऐड करेंगे और मिक्सी चला लेंगे। तो पालक प्यूरे तैयार हो गई है। उसे एक बोल में निकाल लेंगे। अब हम खिचड़ी चेक कर लेंगे। तो खिचड़ी करीब करीब पक चुकी है। इस वक्त हम उसमें मटर दाने डालेंगे और तूर दाने भी डालेंगे और उसे मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ी देर और उसे पकाएंगे ताकि खिचड़ी के साथ दाने भी पककर सॉफ्ट हो जाएं। दोस्तों, जब तक खिचड़ी पक जाए, तब तक हम ग्रीन वेजिटेबल्स फ्राई कर लेंगे। तो हांडी में करीब 3 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है तो उसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड्स और जीरा।
और डालेंगे खड़े मसाले, तेजपत्ता, लाल मिर्च, दालचीनी और ब्लैक पेपर और थोड़े लौंग। मसालों को चला लेंगे। अब डालेंगे थोड़ी सी हींग और कटी हुई प्याज और उसे अच्छी तरह से चला लेंगे। अब इसमें डालेंगे कैप्सिकम, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे, अब हम ऐड करेंगे पालक प्यूरे, और डालेंगे मेथी लीव्स, तब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और सब चीज़ों को अच्छे से पकाएंगे। तो मेथी पालक अच्छी तरह से पक गए हैं। अब उसमें हम डालेंगे कटे हरे प्याज और हरे लहसुन। साथ में मसाले भी डालेंगे, रेड मिर्च पाउडर, सेंधा नमक, नमक ऑलरेडी खिचड़ी में डाला हुआ है इसलिए कम मात्रा में डालेंगे। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा पानी ऐड करके सिर्फ एक मिनट तक पकाना है ताकि मसालों की खुशबू आने लगे। उसके बाद हमें खिचड़ी को वेजिटेबल्स में मिक्स करना है। तो एक मिनट हो चुका है और सब्जियां पक चुकी हैं। और खिचड़ी भी पक चुकी है। जिसे हमें वेजिटेबल के साथ मिक्स कर लेना है। तो खिचड़ी और मसाला पालक मेथी की ग्रीन प्यूरे के साथ उसका संगम हो गया है, जिसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे हरे धनिया पत्ते, हम इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। तो लहसुन, ओनियन और मसालों की खुशबू वाली हमारी ग्रीन हेल्दी खिचड़ी तैयार हो चुकी है। उसे एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। तो दोस्तों, मिट्टी हांडी में पकाई हुई वेजिटेबल्स से भरपूर लेस ऑयली हेल्दी ग्रीन डाइट खिचड़ी तैयार है। तो इस एपिसोड में आज इतना ही। तो मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंच पाएं। तो फिर मिलेंगे और एक नई रेसिपी के साथ।
तब तक नमस्कार, धन्यवाद।